हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल लिटरेरी माइंड में। इंग्लिश ऑनर्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल लिटरेरी माइंड को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों काफी क्वेरीज आई थी आप लोगों की तरफ से, खासकर सेकेंड सेमेस्टर यानी कि जो कि फर्स्ट ईयर में है, कि उनको जो चल रहा है क्लास में वो समझ नहीं आ रहा। रेनेसेंस क्या है, जैकोबिन एज क्या है, एलिजाबेथन एज क्या है, ऑगस्टिन एज क्या है, रोमांटिक क्या है। तो देखो फ्रेंड्स, जो ब्रिटिश लिटरेचर है अपना, ये डिवाइडेड था नहीं, डिवाइडेड किया गया है बाद में, क्योंकि अब तो हिस्ट्री बन चुकी थी। तो जो मॉडर्न लोग हैं उन्होंने क्या करा, इसको डिवाइड किया कि हिस्ट्री को हम ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, क्योंकि देखो एक ही बार में इतना सारा लिटरेचर की एक बुक तो थे नहीं, इतनी सारी बुक्स हैं, तो उनको अगर पढ़ना है, किसी ऑथर के बारे में पढ़ना है, किसी ऑथर ने कुछ लिखा है उस एज के बारे में या फिर उस टाइम पीरियड के बारे में, तो हमने उस टाइम पीरियड को डिवाइड किया कि ये टाइम पीरियड ये कहलाएगा। अगर इस टाइम पीरियड में अगर एलिजाबेथ रानी, क्वीन एलिजाबेथ जो है वो रूल कर रही थी, तो हम उस पीरियड को एलिजाबेथन एरा बोल देंगे। चार्ल्स अगर रूल कर रहा है, चार्ल्स फर्स्ट, तो चार्ल्स फर्स्ट के मतलब डिफरेंट नाम्स दिए गए, ठीक है। और अगर विक्टोरिया रूल कर रही है तो विक्टोरियन एज बोला। तो यही है, डेफिनेटली आप लोगों को समझ आ जाएगा, ये मैं अभी क्लियरली बता दूंगा। बस ये ओवरव्यू था वीडियो में क्या क्या होने वाला है। सिर्फ सेकंड सेमेस्टर नहीं, हो सकता है कि सेकंड ईयर में जो है या फिर थर्ड ईयर में जो अब तक सीरियस नहीं थे पढ़ाई को लेके, मे बी हो सकता है कि उनको भी इन एजेस के बारे में काफ़ी कुछ ना पता हो। तो डेफिनेटली ये वीडियो आज का जो है इन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। I hope that you will be watching this video from the starting to the end, and this will be a beneficial video for you guys. Okay, so let's start. स्टार्ट करते हैं पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। देखो इंग्लिश लिटरेचर को मैंने अभी बताया कि अगर पढ़ना है तो इसको ना डिवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ही बार में हम सारी चीज़ें नहीं गेन कर सकते। इंग्लैंड जो था, इतना बड़ा इंग्लैंड था, इंग्लैंड में कभी तो फ्रांस हमला कर रहा है, कभी स्पेन हमला कर रहा है, कभी इंग्लैंड उन पर हमला कर रहा है। तो देखो डिफरेंट टाइप्स की जो है सिनेरियो क्रिएट हो रही थी, कभी वॉर का तो कभी किसी चीज़ का तो कभी किसी चीज़ का, कभी फेमीन तो कभी अकाल पड़ रहा है, तो कभी कभी प्लेग आ गया। तो इन चीज़ों का ना लिटरेचर में काफ़ी फर्क पड़ा है। तो अगर कहते हैं कि अगर किसी जगह की अगर हिस्ट्री जाननी हो आपको, तो आप उस जगह का लिटरेचर पढ़ लो। तो डेफिनेटली यही है, लिटरेचर हमें हिस्ट्री से जोड़ता है, या फिर कह लो हिस्ट्री से ही लिटरेचर के बारे में पता लगता है, या लिटरेचर से हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो आ जाते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो है स्टार्टिंग की बात करें तो 450 मतलब जैसे हम बोलते हैं ना 2019 चल रहा है या 2018 चल रहा है, तो उन्हीं जब 450 साल चल रहा था और से 1066 तक, तो उस टाइम था ओल्ड इंग्लिश यानी कि एंग्लो सैक्सन पीरियड बोलते हैं। काफ़ी कुछ है अभी बताने लायक, तो इन पे ज़्यादा फोकस मत करना, 450 टू 1066 और 1066 टू 1500 मिडल इंग्लिश पीरियड बोलते हैं इसे, ये भी कुछ खास नहीं है। अपना जो मेन होता है स्टार्ट यहाँ पे रेनेसेंस से, अर्ली मॉडर्न भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि पहली बार कुछ काफ़ी नई चीज़ें होने वाली थी, मॉडर्न चीज़ें होने वाली थी समाज में, क्योंकि उससे पहले तो देखो, इससे पहले तो जो हमने करा, इससे पहले 450 से पहले जीरो रहा होगा। देखो हमने क्या करा, जीरो रखा, जीरो से आगे एक पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, वैसे ही जीरो से लेके 99 तक, जीरो नहीं, वन से लेके 99 तक हम बोलते हैं फर्स्ट सेंचुरी। उसी टाइप से सेकंड सेंचुरी का बोलेंगे, दूसरी शताब्दी बोलेंगे, यानी कि सेकंड सेंचुरी हम बोलेंगे 101 से लेके 199 तक हम बोलेंगे सेकंड सेंचुरी। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए सेंचुरीज का कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट फॉर एग्जांपल ये जो है 1066, ये है अपनी ये जो है 11th सेंचुरी 11th बोलेंगे इसको, और ये जो है 1500 तक, मैंने अभी बताया था जैसे 1401 से लेके 1500 तक या 1499 तक हम बोलते हैं 15th सेंचुरी, तो ये 16th सेंचुरी माना जाएगा, मीन्स स्टार्टिंग ऑफ द 16th सेंचुरी और एंड ऑफ द 15th सेंचुरी, कुछ भी बोल लो आप। तो ये सारी सेंचुरीज का कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं बताने लायक था। 1500 टू 1660 यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द 16th सेंचुरी टू स्टार्टिंग ऑफ द 16th सेंचुरी टू सेंचुरी टू मिड ऑफ 17th सेंचुरी, इसे हम 17th सेंचुरी बोलेंगे और मिड बोलेंगे, क्योंकि लगभग 1650 के आसपास का है, तो 1660 बोल लो, ठीक है। तो ये टाइम जो है 1500 से लेके 1660 तक का, इसे बोलते हैं रेनेसेंस पीरियड। रेनेसेंस इसलिए बोला फ्रेंड्स मैंने, यहाँ पे ये गौर करने की चीज़ है, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दे लेने एक बार। रेनेसेंस का मतलब ये होता है पुनर्जागरण काल, मतलब लोगों के बीच में पुनर्जागरण काल से आप क्या समझे,
आप कमेंट करके बताना पहले आपको क्या लगा, ठीक है। बाकी मैं मतलब बता रहा हूँ अभी, पुनर्जागरण का मतलब है कि लोग जागे। लोग कहाँ से जागे? पहले देखो समाज में ही होता था, या फिर कोई भी सोसाइटी ले लो। फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली अपना ब्रिटिश लिटरेचर इंग्लैंड से ही रिलेटेड है। तो इंग्लैंड में ये होता था पहले, या फिर अलग सोसाइटी ले लो आप, ये होता था कि चर्चेस वगैरह होते थे, राजा होता था। राजा बोलता था कि मुझे भगवान ने भेजा है, इसलिए मैं गॉड की डायनेस्टी से हूँ, और मैं इसलिए मैं आप लोगों के ऊपर रूल कर रहा हूँ। तो उस पर कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं होता था, कोई आदमी क्वेश्चन नहीं करता था, कोई गरीब जाके क्वेश्चन नहीं करता था कि भाई तू ही राजा क्यों बना। राजा का बेटा अगर पैदा हुआ, संतान पैदा हुई, तो वो राजा बनेगा। उसका फिर दो बेटे हैं, बड़ा बेटा है, तो बड़ा बेटा बनेगा। बड़ा बेटा मर गया, तो फिर छोटा वाला जो है बेटा, वो राजा बनेगा। तो कोई पूछने वाला नहीं था। उनको सपोर्ट कौन करता था? चर्च, ठीक है, चर्च वगैरह जो है सपोर्ट किया करते थे। अब चर्च से आपको पता होना चाहिए बाइबल भी रिलेटेड होगा। तो उस टाइम पे ये होता था कि भाई मैक्सिमम जो लोग होते थे वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, कुछ जो है लिटरेट होते थे, कुछ इलिटरेट। तो मान लो अब जिसको बाइबल की नॉलेज ही नहीं है, उसको तो कुछ भी पढ़ा दो, वो तो वही मान जाएगा कि हाँ इसी में यही लिखा है बाइबल में, ठीक है, तो बाइबल में यही लिखा है। तो लोगों लोगों को ही पहले लोगों को समझ नहीं थी, लोग बाइबल नहीं पढ़ना जानते थे, बाइबल भी किसी और ही लैंग्वेज में थी, ठीक है, जो कि आम लोगों के पढ़ने से तो बाहर की थी वो लैंग्वेज, मतलब आम लोगों की समझ से परे थी। बाद में इसका जो है ट्रांसलेशन किया गया इंग्लिश में, वो अलग चीज है, लेकिन उससे पहले नहीं था। तो रेनेसेंस में क्या हुआ? रेनेसेंस एक ऐसा दौर है जिसमें ये सारे एज आ जाते हैं, जैसे एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलिन एज, कॉमनवेल्थ पीरियड। ये आप देख लो, एलिजाबेथन एज से स्टार्ट होता है रेनेसेंस अपना, और 1660 तक चलता जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है दिक्कत यहाँ पे, कि लोगों को उस टाइम पे लोग क्वेश्चन, देखो लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी वाली बात कहें, मतलब एक्सप्रेशन, अपने अपने विचारों को एक्सप्रेशन करने के इस टाइम पे कुछ था ही नहीं, लोग किस पेस पे करते। तो अब जो है रेनेसेंस के टाइम पे लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, भाई तू ही राजा क्यों बनेगा। और मान लो कहीं पे वॉर किया इंग्लैंड ने, या फिर इंग्लैंड में वॉर हुआ, तो राजा का काम होता था बचाना अपने सिटीजन को, सिक्योरिटी। लोग कई बार ऐसे राजा भी थे जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट जाते थे, और वो क्या करते थे, मान लो जीत गई या फिर हार गई, तो दोनों ही टाइम पे लॉस हुआ। लॉस किसका? एक तो कैपिटल का लॉस्ट हुआ, सबसे पहली बात तो यह है, इकोनॉमी को लॉस्ट हुआ। अब इकोनॉमी को लॉस्ट हुआ अगर वॉर में, तो वो कहां से पूरा करते थे? किसानों से, किसान वगैरह से उन्हें टैक्स बढ़ा देते थे, या फिर कुछ भी ऐसा करते थे। बाकी जो रिच क्लास लोग होते थे, एरिस्टोक्रेट होते थे, जैसे अर्ल हो गए, किंग हो गया, फादर हो गए, क्लर्जीमैन्स हो गए, फ्यूडल्स हो गए, नोबल्स हो गए, तो ये लोग, उनको तो फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि टैक्स तो इनको देना नहीं होता था। तो टैक्स कौन देते थे? सिर्फ गरीब लोग, जो गरीब थे बिल्कुल ही। अब उन पे अगर इतना अत्याचार होगा, तो वो डेफिनेटली कभी ना कभी तो आवाज उठेगी। आप सिलेंडर पे उतना ही प्रेशर लगाओ जितना वो सह सकता है, ज्यादा लगाओ तो क्या होगा, सिलेंडर फट सकता है, टायर फट सकता है। तो इस टाइम पे राजा उनका जो है सप्रेशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोगों ने आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया। आवाज उठाना जब स्टार्ट किया, तो चर्चेस पे सवाल उठे, राजाओं के ऊपर सवाल उठे कि आप कैसे ऐसे रूल कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं अब जो फीलिंग्स थी वो अलग ही टाइप की फीलिंग आ रही थी लोगों में, कैपिटलिज्म की भावना आ रही थी। फिर बीच में, इसी बीच में आपने अगर पढ़ा होगा, 1660 के एंड में लगभग अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी स्टार्ट हो गया। तो अगर ये चीजें नहीं हुआ होता, रेनेसेंस अगर नहीं हुआ होता, लोग नहीं जागे होते, तो आज हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी नहीं मिलता, डेमोक्रेसी भी नहीं मिलती, आज भी हम राजाओं के अधीन होते, ठीक है। तो रेनेसेंस पीरियड में देखो ये एज आ जाते हैं, मैं एक बार क्लियरली जूम कर देता हूँ। एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलिन एज और कॉमनवेल्थ पीरियड। एलिजाबेथन एज में जो है आपको मैक्सिमम जो राइटर्स मिल जाएंगे आपको, जैसे शेक्सपियर है, ठीक है। बाकी मैं अभी एक बार ऐसे दिखा देता हूँ आपको ओवरव्यू, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलिन एज और कॉमनवेल्थ पीरियड, ठीक है। उसके बाद जो है 1660 से 1785 तक चलता है अपना नियो क्लासिकल पीरियड। नियो क्लासिकल पीरियड, और उसके बाद 1660, देखो 1660 टू 1785 मैंने कहा न्यू क्लासिकल पीरियड, यानी कि 1660 टू 1700 जो इस दौरान था, इसी में फिर दो पार्ट बना दिए मैंने, 1660 टू 1700। देखो 1500 टू 1660 तक के मैंने कितने पार्ट बना दिए, एक दो तीन चार पांच, सॉरी चार। उसके बाद इसके भी मैंने पार्ट बनाए 1660 टू 1700, इसको बोल दिया मैंने, इन दोनों पार्ट को मिला के बोल दिया मैंने न्यू क्लासिकल पीरियड। बाकी 1660 टू 1700 हमने बोल दिया रेस्टोरेशन, 1700 टू 1745 बोल दिया मैंने ऑगस्टन एज, ठीक है।
उसके बाद आगे आ जाते हैं। ये मैंने एजिस इसलिए डिवाइड करे ताकि वहां के लिटरेचर को समझने में आसानी हो। 1745 टू 1785 को मैंने बोल दिया एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ठीक है, या फिर एज ऑफ जॉनसन, बोल एज ऑफ जॉनसन बोल लो। जॉनसन यहाँ पे जो फेमस राइटर था वो उभर के आया था, इसलिए हमने इस एज को एज ऑफ जॉनसन भी बोल देते हैं। 1785 टू 1832 की बात करें तो रोमांटिक पीरियड बोला गया इसको, और 1832-1901 विक्टोरियन पीरियड। अब विक्टोरियन पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड किया मैंने, 1848 टू 1860 द प्री रेफलाइट्स, 1882 टू 1901 एस्थिरिज्म एंड डेकाडेंस, ठीक है, और उसके बाद 1901 टू 1914, अगर आपको पता होना चाहिए 1901 टू 1914 में है, तो इसे बोलते थे एडवर्डियन पीरियड, ठीक है। 1910 टू 1936 बोलते थे हम जॉर्जियन पीरियड, और 1914 के बाद का जो थोड़ा सा टाइम है उसे बोलते हैं मॉडर्न पीरियड, और 1945 के जो अब चल रहा है 2019 में अगर ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो अब तक अगर मैं कहूँ तो पोस्ट मॉडर्निज्म है। वैसे और इसको भी डिवाइड कर सकते हैं हम, एलोब्रेट कर सकते हैं, बट स्टिल वी आर नॉट गोइंग टू एलोब्रेट इट। थोड़ा सा मैं और बता दूँ, एंग्लो सैक्सन पीरियड इनका जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मिडिल इंग्लिश भी नहीं। हाँ, रिनेसेंस का मैं बता रहा था, रिनेसेंस आपको बता दिया मैंने कि रिनेसेंस में क्या हुआ था, लोग जागे थे, क्वेश्चन करना स्टार्ट किया था। एलिजाबेथन एज में मैक्सिमम जो राइटर्स थे वो थे विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, क्रिस्टोफर मार्लो। ट्रेजेडी पढ़ी होगी आपने, सॉरी फ्रेंड्स बीच में वीडियो स्टॉप हो गई थी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि क्रिस्टोफर मार्लो जो है आपने पढ़ा होगा इसका ट्रेजेडी, डॉक्टर फॉस्टस, ठीक है, सर फिलिप सिडनी, ये सारे जो थे मैक्सिमम कह सकते हो इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहा इस टाइम पीरियड में, यानी कि 1558 टू 1603 एलिजाबेथन एज में एलिजाबेथ जो थी एक क्वीन थी जो कि रूल कर रही थी इंग्लैंड में इस टाइम पे। उसके बाद जो है जैकोबियन पीरियड इसलिए क्योंकि जेम्स फर्स्ट का रूल चल रहा था इस टाइम पे, जेकोबस, 1603 टू 1625 विच फॉलोड दैट ऑफ मीन्स क्वीन एलिजाबेथ के बाद ही आया था ये बंदा, ठीक है। तो इसके पीरियड में, जैकोबियन के पीरियड में देखो पॉलिटिकल चेंजेस क्या क्या आए, सोशल चेंजेस क्या क्या आए। पॉलिटिकल में थोड़ा सा मैंने बता दिया कि इसके बाद ये किंग आया, लेकिन सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हो जाता फ्रेंड्स। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इनमें मैं सेपरेटली हर एक चीज बताऊंगा आपको कि पॉलिटिकल क्या क्या चेंज आया, पॉलिटिकल सिनेरियो में, इंटेलेक्चुअल सिनेरियो में, सोसाइटल चेंज क्या क्या आया। जैसे हर एक पीरियड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के गारमेंट्स आए थे, ठीक है, सबका एक रहन सहन होता था, सोसाइटी का रहन सहन होता था। ये सारी चीज़ें मैं एक ही वीडियो में सम अप नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इनके लिए। बस ये तो सम अप करने के लिए था ताकि आप लोगों को आइडिया मिल जाए रेनेसेंस क्या है और बाकी एजेस के बारे में थोड़ा सा। उसके बाद जो है कैरोलिन एज, द एज ऑफ रेन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, यानी कि 1625 टू 1649 में रूल कर रहा था चार्ल्स फर्स्ट, और इसी के टाइम पे हुआ था सिविल वॉर। इसलिए क्योंकि जो लोग थे वो चाहते थे कि राजा जो है, मतलब देखो सोसाइटी उस टाइम पे डिवाइडेड हो रही थी, कोई कह रहा था राजा सही, मतलब राजा का रूल हटा देना चाहिए, कोई कह रहा था कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, कोई कह रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहिए, मतलब राजा रहे लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करे, मतलब उस पर थोड़ा सा लगाम लग जाए राजा पे। तो मतलब ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो इसके कारण हुआ सिविल वॉर। मतलब अब लोग ही तो आपस में लड़ेंगे, भाई मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। मान लो क्लास में कोई कह रहा है कि मेरे को बंक करना है, दूसरे वाला कह रहा है नहीं बंक करना है, तो अब क्लास के लोग ही तो लड़ेंगे आपस में, टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस टाइम पे। हाँ, ये होता है कि अगर जो ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा अगर वो जीत जाता है तो वो मे बी क्लास बंक करवा दे, या फिर मे बी क्लास को लगवा भी सकता है। तो वही बात हो गई यहाँ पे। तो चार्ल्स फर्स्ट यहाँ पे रूल कर रहा था उस टाइम पे, और जो मैक्सिमम पोइट्स वगैरह थे इस टाइम के, तो रिचर्ड वॉबलेस, ठीक है, सर जॉन सकलिंग, थॉमस कैरियू, रॉबर्ट हैरिक। ये ज़्यादा मैं एलोबरेट नहीं कर रहा इस टाइम पे, नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद आया कॉमनवेल्थ पीरियड, यानी कि प्यूरिटन इंटेरेगनम, 1649 चार्ल्स फर्स्ट। देखो चार्ल्स फर्स्ट का जो था उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया था बाद में, मतलब उसे सजा सुना दी गई थी, उसे मार दिया गया था। तो चार्ल्स फर्स्ट के जो दो बेटे, मतलब सॉरी एक बेटा था, चार्ल्स फर्स्ट का जो बेटा था वो एक्चुअली फ्लैड हो गया था, मतलब भाग गया था, कहाँ इंग्लैंड छोड़ के कहीं और, फ्रांस या फिर कहीं और भाग गया था, ये पेरिस वगैरह ये भाग गया था। तो वापस से क्या हुआ, प्यूरिटन एज आ गया था, ठीक है। तो चार्ल्स सेकंड का ये जो टाइम पीरियड चल रहा था इस टाइम पे 1660 में, तो इसी को बता रखा है उन्होंने कि चार्ल्स सेकंड वापस आ जाता है, क्योंकि प्यूरिटन एज से जो लोग थे परेशान हो गए थे। प्यूरिटन आपस में आप खुद को ये मानते थे कि हम प्योर हैं, और इन्होंने मैक्सिमम उस टाइम पे जितने भी स्टेज वगैरह होती थी जिनमें थिएटर पे परफॉर्मेंस की जाती थी उन्होंने बंद करवा दिए थे, किन्होंने, प्यूरिटन्स ने। और
एलिजाबेथन टाइम पे तो बड़ा चल रहा था थिएटर का, आपने पढ़ोगे रेनेसेंस में आप पढ़ोगे कि थिएटर स्टेब्लिश हुए, शेक्सपियर के जो भी थे उनको परफॉर्म किया जाता था वहाँ पे, तो ये सब पढ़ोगे। थिएटर जो है एक, जैसे आज के टाइम पे हम मूवी वगैरह देखते हैं तो उस टाइम पे ही थिएटर्स होते थे जिनको कलाकारों को वहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ता था कुछ, उस टाइम पे तो था नहीं टीवी वगैरह, है ना। उसके बाद नियो क्लासिकल पीरियड को जो है हमने 1662-1785 कहा, तो 1660 में क्या हुआ था, वही रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन का मतलब ये था कि वो जो किंग होता है चार्ल्स सेकेंड वापस आ जाता है, रिस्टोर हो जाती है मोनार्की, क्योंकि उस टाइम पे तो प्यूरिटन्स ने अपने हाथ में ले ली थी पावर, तो अब क्या है फिर से मोनार्की आ जाती है, मतलब फिर से राजा का रूल आ जाता है क्योंकि चार्ल्स सेकेंड वापस आ जाता है इंग्लैंड को संभाल ले, इंग्लैंड की सत्ता को संभाल ले, वापस चार्ल्स सेकेंड आ जाता है जो कि चार्ल्स फर्स्ट का बेटा होता है, तो इसलिए हम बोलते हैं रेस्टोरेशन पीरियड। इसके में आपको तो पढ़ ही लिया होगा आपने, विलियम कॉन्ग्रेव भी है इसमें, जिसमें विलियम कॉन्ग्रेव भी, फिर विलियम वाइचरली, विचरली, विलियम कॉन्ग्रेव ने नहीं सब सब जॉनरा पे काम करा, यानी कि रिस्टोरेशन ऑफ, रिस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनरिज्म इस पे काम करा इसने, पढ़ेंगे अब मैं वीडियो शूट करूंगा इसके लिए, ऑगस्टिन एज आया फिर ऑगस्टिन एज, तो वैसे 627 BC टू AD 14 वाला नहीं है ये, 1700 टू 1745 में बात करेंगे अगर ऑगस्टिन एज बोलता हूँ तो मैं, तो इसमें जो है लेडी मैरी वॉटले मोन्टैगू, ठीक है, डेनियल डिफो, लेडी मैरी वॉटले मोन्टैगू बताई दिया मैंने, तो इन सब का यहाँ पे थोड़ा सा चल रहा था, मतलब ये जो है फेमस राइटर्स पोइट्स जो भी थे ये। फिर उसके बाद एज ऑफ सेंसिबिलिटी की बात करें तो एज ऑफ सेंसिबिलिटी ये था कि आपके सेंसिस को कहीं ना कहीं ये जो है हिट करने वाला था, ये एज इस टाइम पे सेंसिस हिट हो रहे थे, 1744 टू 1785, आपको पता होना चाहिए 1789 में इंग्लैंड में, सॉरी फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तो फर्क नहीं दिखेगा फिलहाल अभी, बट स्टिल सिविल वॉर तो यहाँ पे भी हो रहे थे इंग्लैंड में, तो 1744 टू 1785 में जो है ये जो सेंसिबिलिटी मानते हैं, तो काफी नई चीज जो है, नई नई जो फिलोसॉफीज डेवलप हुई समाज में, सेंसिस टू रिलेटेड टू सेंसिस, ठीक है। थोड़ी सी इस एज को थोड़ी सी अगर इलेबोरेट करके पढ़ें तो एज ऑफ जॉनसन भी बोलते हैं, क्योंकि जॉनसन का थोड़ा सा यहाँ पे पार्ट रहा था एज ऑफ सेंसिबिलिटी में, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम रोमांटिक पीरियड में, रोमांटिक पीरियड देखो आप कह सकते हो कि रोमांटिक जो पीरियड है 1798 कह लो या फिर 1789 या फिर 1785 के आसपास से चालू हुआ था और 1832 तक चला था। रोमांटिक में जो है जो ऑथर्स या पोइट्स हैं, मैक्सिमम जो पोइट्स हैं पढ़ोगे आप, विलियम ब्लेक है, रॉबर्ट बर्न्स हैं, अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हो तो आप डेफिनेटली इनका पढ़ रहे होगे, विलियम ब्लेक, लॉर्ड बायरन, मैरी सॉरी पर्सी वाइस, सैली, जॉन कीट्स एंड वॉल्टर्स, सेविज लैंडर, इन इनके बारे में आप पढ़ रहे हो अभी इस टाइम पे, पोएम्स पढ़ रहे होगे इनकी, तो रोमांटिक है जो उस टाइम पे जो मैक्सिमम पोइट्स हैं वो नेचर से थोड़ा सा क्लोज फील करते हैं, तो उसी को यहाँ पे शो करते हैं कंट्री लाइफ से हटके थोड़ा सा नेचर की लाइफ को। बाकी आ जाते हैं विक्टोरियन पीरियड में, ये भी आपके फोर्थ सेमेस्टर में, अगर आपने फोर्थ सेमेस्टर के हो आप तो फोर्थ सेमेस्टर में है ये, फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ोगे, सेकंड सेमेस्टर वाले रिनेसेंस पे, रिनेसेंस तक देख मतलब समझ लो आप ये वीडियो, उसके आगे भी देख लेना ये ताकि आपको नेक्स्ट आगे ही हेल्प हो जाए, ठीक है। विक्टोरियन पीरियड क्या था, विक्टोरियन पीरियड में देखो ये माना जाता है कि लगभग 1830 और अल्टरनेटिवली 1832 में चालू हुआ था लगभग, ठीक है, और 1901 तक चला था, तो थोड़ा सा मिड, इसको विक्टोरियन पीरियड को थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं हम दो तीन पार्ट में, फॉर एग्जांपल अर्ली विक्टोरियन, मिड विक्टोरियन और लेट विक्टोरियन, बाकी डेट्स देख ही सकते हो आप, अर्ली विक्टोरियन टू लगभग 1848 तक, मिड विक्टोरियन 1848 टू 1870 तक, और लेट विक्टोरियन जो है 1872-1901। आप इसे बताओ आप क्या बोलोगे, ये है 19th सेंचुरी, मीन्स स्टार्ट लेट 18th बोल लो सेंचुरी, या फिर लेट 18th सेंचुरी, या फिर 19th सेंचुरी बोल लो, ये है अर्ली 20th सेंचुरी, या फिर अर्ली 20th सेंचुरी बोला जाएगा इसे, ठीक है, वैसे 20th सेंचुरी है बट अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक है। तो इस टाइम पे जो है आपको विक्टोरियन पोइट्स जो है जैसे लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, क्रिस्टियन रोजेटी, टेनिसन की आपने पढ़ा होगा, डिफेंस ऑफ लखनऊ, और भी हैं यूलेसिस वगैरह जो भी है, ये सब पढ़ोगे आप अगर फोर्थ सेमेस्टर में हो आप तो, ठीक है। विक्टोरियन पीरियड में तो क्या क्या चेंजेस आए थे वो भी हम पढ़ेंगे इसमें। एडवर्डियन पीरियड, एडवर्डियन पीरियड लगता हूँ 1901 टू आफ्टर, ठीक
जॉर्जियन पीरियड, इनके बारे में खास अभी बताने लायक कुछ नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी की पूरी जो है एजिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी, ताकि आप लोगों को एक ओवरव्यू आइडिया मिल जाए। पोस्ट मॉडर्निज्म पता ही है जो अब चल रहा है लगभग। तो फ्रेंड्स ये था पूरा, ये कि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए कि क्या क्या पढ़ना होता है एक्चुअली, कैसे चीज़ें जो हैं, कैसे जो है हिस्ट्री को थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है और अगर आप ये चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में हर एक एज के बारे में अच्छे से बताऊं, रेनेसेंस के बारे में अच्छे से बताऊं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करना स्टार्टिंग टू द एंड। अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के बीच में इस चैनल को सब्सक्राइब करवा दो उनसे भी, और प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर दो मैक्सिमम, ताकि सबको एटलीस्ट ये तो पता लग जाए यार रेनेसेंस क्या है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बच्चों को रेनेसेंस का स्पेलिंग तक नहीं आता, बच्चे बैठे रहते हैं और हो क्या रहा है क्लास में, चल क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आता। तो आई होप कि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम थोड़ा बहुत समझ पाया हूँ और ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। तो अगर आप लोगों को डेफिनेटली अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन यार। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया और कुछ इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए लाकर। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बाय, विल मीट यू, थैंक यू फ्रेंड्स।